सत श्री अकाल, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत करती हूं। तुसी वेख रहे हो पंजाबी खबरां। खबरां की शुरुआत तो पहला एक नज़र अज दीआं मुख सुर्खियां ते। अमरीका च सिख पुलिसकर्मी नूं दाड़ी ना वधाउण देण दा मामला, जथेदार ज्ञानी रघवीर सिंह ने लिया सख्त नोटिस। हड़ां दे पानी नाल पंजाब दे कई जिलों च होया भारी नुकसान। हड़ पीड़ितों लई पंजाब सरकार ने केंद्र तो मंगे 1500 करोड़ रुपए। कैनेडा च पंजाबी गैंगस्टर का कतल, गैंगस्टर रविंदर समरा का गोलियां मार के किया कतल। टॉप 11 खतरनाक गैंगस्टरों च शामिल सी रविंदर समरा। हड़ां दे पानी दे नाल पंजाब दे कई जिलों दे विच भारी नुकसान होया। मिली जानकारी मुताबिक हड़ां कारण पंजाब दे 19 जिलों विच 1475 पिंडां विच प्रभावित होए ने, जिथे वड्डी गिणती विच लोकां दा आर्थिक तौर ते नुकसान होया। यह जानकारी दिंदिआं मुख्यमंत्री दफ्तर दे बुलारे ने दस्सिया कि कैबिनेट दा मंनना सी कि सूबे दे 19 जिलों दे 1495 पिंड सब तो वध प्रभावित सन। रिपोर्टां मुताबिक हड़ां कारण 44 व्यक्तियों की जान गई, 22 जख्मी होए, 391 घर पूरी तरह नुकसाने गए, जबकि 878 का अंशक नुकसान होया। 1277 व्यक्ति हले भी 159 राहत कैंपां विच रह रहे ने। सरकार ने हड़ां कारण होए नुकसान का अंदाजा लाने लई 15 अगस्त तक विशेष गिरदावरी कराने की मंजूरी दे दी है, जिस करके पंजाब सरकार ने सूबे के हड़ पीड़ितों के नुकसान बारे केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिख के मुआवजे की मांग की है। प्राप्त जानकारी अनुसार सूबा सरकार ने हड़ां कारण पंजाब च 1500 करोड़ रुपए के करीब नुकसान होने का खदशा जताया है। इसकी पुष्टि पंजाब के कैबिनेट मंत्री गुरमेज सिंह खुडिया ने की है। अमेरिका के न्यूयॉर्क की पुलिस विच सिख जवान दाड़ी वधाउण तो रोकने की घटना से श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार सिंह साहब ज्ञानी रघबीर सिंह ने सख्त नोटिस लिया। ज्ञानी रघबीर सिंह ने अज जारी एक बयान विच आख्या कि अमरीका की सर्वपक्षी उन्नति विच सिखां दे योगदान अनडिठ नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अमरीका की राजनीति तो लैके सुरक्षा तकनीकी ते विज्ञान के खेत्र तक सिखां ने अपनी लियाकत, मेहनत और ईमानदारी के नाल वड्डियां मल्लां मारियां ने। उन्होंने कहा कि अमरीका वर्गे मुल्क विच सिखां दीआं धार्मिक मानतावां अते रहू रीतां हुण जाण पछाण दा मुहताज नहीं रह गईआं ने। बहुत देर पहलां ही अमरीका दी फौज अते सिविल सेवावां विच अपने सिखी सरूप दे नाल सेवावां करन दी कानूनी लड़ाई सिख जित चुके ने। इस तों बाद सिखां नूं धार्मिक आजादी दे नाल हर खेतर विच विचरन दी खुल दित्ती जा चुकी है, पर हुण न्यूयॉर्क पुलिस वल्लों एक सिख जवान नूं दाड़ी रखण तों रोकणा हैरानीजनक है। ज्ञानी रघबीर सिंह ने कहा कि भारत सरकार दे विदेश मंत्रालय नूं भी अमरीका दी न्यूयॉर्क पुलिस कोल अपने कूटनीतिक चैनलों राही सिखां दीआं भावनावां पहुंचाउणियां चाहीदियां ने, तां जो न्यूयॉर्क पुलिस अपने फैसले विच दुरुस्ती करके सिख जवान नूं सिखी सरूप विच रह के सेवावां निभाउण दी खुल दे सके। कैनेडा तो एक वड्डी खबर सामने आई है, जिथे बीते दिन 36 साला गैंगस्टर रविंदर समरा दा रिचमंड शहर विच कैनेडा विच गोलियां मार के कतल कर दिता गया। इस तों पहलां उसदे भरा दा भी गोलियां मार के कतल कर दिता गया सी। 2 महीने बाद रविंदर समरा दा कतल कर दिता गया। दसणयोग है कि दक्षणी वैनकूवर विच उसदे छोटे भरा दा भी गोलियां मार के कतल किते जाण तों 2 महीने बाद ही संयुक्त राष्ट्र दे नामी गैंगस्टर रविंदर समरा नूं रिचमंड विच निशाने ते लए हमले विच मारिया गया। रविंदर समरा नूं बर्डेल नेड़े मिलर रोड दे 8000 ब्लॉक विच शूटरां द्वारा गोलियां मार के मारिया गया। अवतार सिंह खंडा दे इंग्लैंड विच देहांत तों बाद उन्हां दा अंतिम संस्कार 5 अगस्त नूं कीता जाएगा, पर उसकी मां अते भैण उसके अंतिम संस्कार अते अरदास विच शामिल नहीं हो सकणगियां। श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने कहा कि यह बहुत ही मंदभागी गल है कि अवतार सिंह खंडा की माता अते भैण नूं अरदास अते अंतिम संस्कार विच शामिल होने लई वीजा नहीं दिता गया।
दस दईए कि अवतार सिंह खंडा का 15 जून को इंग्लैंड के एक निजी हस्पताल में देहांत हो गया। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के लंडन स्थित भारतीय हाई कमिशन च तिरंगे का अपमान करने के दोष भी लगे सन। खंडा की भैन जसप्रीत कौर ने हाईकोर्ट में पटीशन दायर करके मंग की कि उसके मृतक भरा का अंतिम संस्कार मोगा में किया जाए। पिछले दिन इंग्लैंड की धरती से भाई अवतार सिंह जी खंडा जिन्हों की मौत हो गई सी और उन्हों का अंतिम संस्कार उन्हों की अंतिम अरदास 5 अगस्त नूं इंग्लैंड विखे हो रही है। पता लगा है कि भाई अवतार सिंह जी होर की माता जी उन्होंने भैन जी वालों भाई साहब जी के संस्कार विच और भाई साहब जी की अंतिम अरदास शामिल होने वास्ते इंग्लैंड का वीजा अपलाई किया गया सी। पर बहुत दुख वाली गल है कि इंग्लैंड की सरकार वालों भाई अवतार सिंह जी के माता जी उन्हां दी भैन जी नूं वीजा ना देना एक बहुत वड्डी इंग्लैंड वर्गे देश की मनुखी अधिकारां दी उलंघना है। जिस मां ने अपने पुत नूं जन्म दिता होवे, जिस भैन ने अपने वीर नूं लाड़ लड़ाए होण, इकट्ठे खेडे होण, इकट्ठे पले होण, उन्हां नूं आखरी बार अपने बच्चे नूं अपने वीर नूं देखण भी ना देना यह मनुखी अधिकारां दी बहुत वड्डी एक उलंघना है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ। गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक बहुमंजिला अस्पताल के बेसमेंट में आग लग गई, जिस तों बाद सावधानी के तौर पर करीब 100 मरीजों हस्पताल विचों सुरक्षित बाहर कढ़िया गया। अधिकारी ने जानकारी दी। शाहीबाग पुलिस थाने के एक अधिकारी ने दस्सिया कि सूचना मुताबिक सवेरे 4:30 बजे राजस्थान अस्पताल के बेसमेंट में आग लग गई। हस्पताल के बेसमेंट तो लगातार धुआं निकलता रहा। गनीमत यह रही कि कोई भी वड्डा हादसा होने टल गया, 100 मरीजों के करीब लोगों को सुरक्षित बाहर कढ़ लिया गया। पाकिस्तान के पंजाब सूबे में आज एक बड़ा वड्डा बस हादसा हो गया और बस पलटन कारण घट्टो घट 5 लोगों की मौत हो गई और 20 होर जख्मी हो गए। जानकारी मुताबिक यह बस हादसा बस के ड्राइवर को नींद की झपकी आने कारण वापरिया और गड्डी पलट गई। इंचार्ज असलम ने दस्सिया कि सूफी संत के श्रद्धालुओं को लेकर बस सखी सरवर तो जैकबाबाद वापस जा रही थी कि यह हादसा वापर गया। जख्मियों को स्थानक अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जिथे गंभीर जख्मियों को राजनपुर जिला अस्पताल में भेज दिया गया। बटाला के नजदीक पिंड लौंगोवाल के रहने वाले 18 साल के नौजवान का रंजिश के तहत कतल करने का मामला सामने आया। नौजवान आर्यन जिसनों गंभीर हालत में सिविल अस्पताल बटाला अज सवेरे लिया गया, जबकि नौजवान की हालत गंभीर होने के चलते बटाला अस्पताल प्रशासन वालों उसनों अमृतसर अस्पताल में रैफर किया गया, लेकिन उत्थे अमृतसर उसकी इलाज दौरान ही मौत हो गई। उत्थे पुत की यह हालत वेख अस्पताल मां का रो रो के बुरा हाल से। मां का कहना है कि उसके पुत का यह हाल कुछ नौजवानों ने किया जो पिंड तो बाहर दे हन अते उसके तेजधार हथियारों नाल हमला किया गया। उत्थे जख्मी नौजवान की मां का कहना है कि कुछ नौजवान ने जो पहला भी आर्यन को धमकियां देते सन अते रंजिश यह रखते सन कि उन्होंने बेटे की पिंड की एक लड़की नाल पहला दोस्ती सी, जो कि हुण उन्होंने पुत जी पिछे हट गया, लेकिन उसका परिवार अते उन्होंने साथी कुछ लोगों ने रातों नूं भी झगड़ा किया। अज जद उन्हों का बेटा घर तो बाहर गया तो उसके हमलाकार उसकी अज यह हालत कर दी कि उसका घर भी तबाह हो गया। उसका इकला पुत सी अते हुण 12वीं दाखला होने लैना सी, खुद उसनू विदेश भेजन लई पासपोर्ट बनवाण लई अपलाई करन दी तैयारी कर रही सी। उधर पिंड दी सरपंच कमलजीत कौर ने पुष्टि की है कि आर्यन सवेरे गंभीर हालत विच अस्पताल विच दाखिल कराया सी, लेकिन देर शाम उसके उत्थे मौत हो गई है। परिवार का भी रो रो के बुरा हाल है। उन्होंने पुलिस प्रशासन तो हमला करने वाले खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सावन का महीना चढ़दे ही थां थां ते कुड़ियां वालों तियां दा त्यौहार मनाया जांदा है। कुड़ियां सावन का महीना कट्टन अपने पेके परिवार आउंदियां ने। इसे खुशी नूं सांझा करन लई अज सरकारी हाई स्कूल कालवा विखे स्कूल स्टाफ अते बच्चियां वालों तियां दा त्यौहार बड़ी धूमधाम नाल मनाया गया। इस मौके बच्चों अते स्कूल स्टाफ ने एक दूजे नूं मेहंदी लगाई अते चूड़ियां वंडियां। स्कूल विच पिंग भी लगाई गई। बच्चों वालों गिद्धा अते बोलियां पा के खुशी का इजहार किया गया। इस मौके स्कूल इंचार्ज गुरमीत कौर ने बच्चों नूं वधाई दी।
मौसम विभाग ने शनिवार तो चार दिन पंजाब विच येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग मुताबिक सूबे के ज्यादातर हिस्सों विच हनेरी नाल मीह पवेगा, जबकि ऐतवार सोमवार ते मंगलवार नूं कुछ थावां ते बारिश होगी, जिस कारण तापमान विच 2 तो 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। इस समय पहाड़ां तो लैके मैदानी इलाकों तक हर कोई मीह दे झक्खड़ का सामना कर रहा है। पहाड़ां विच जिथे भारी मीह कारण सारिया नदियां उफान ते ने ते लोगों नूं भारी नुकसान झलना पै रहा है। मैदानी इलाकों विच भी हड़ वर्गे हालात ने। पंजाब के फिरोजपुर, फरीदकोट, मुक्तसर, बठिंडा आदि जिलों नूं छड्ड के बाकी जिलों विच बारिश होगी, जबकि पछमी मालवा विच 30 तो 31 नूं तेज बारिश के आसार ने। अज सरबत खालसा वालों श्री अकाल तख्त साहब के मुतवाजे कार्यकारी जथेदार भाई ध्यान सिंह मंड ने श्री अकाल तख्त साहब से पुजे ते सरबत दे भले की अरदास की। इस मौके सरबत खालसा के मुतवाजे कार्यकारी जथेदार ध्यान सिंह मंड ने पंथक एकता लिए विचार कारण श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह नूं हुण 9 अगस्त नूं मिल बैठन की अपील की है। अज श्री दरबार मुतवाजे कार्यकारी जथेदार भाई ध्यान सिंह मंड ने पंथक एकता लिए विचार करना साहिब ते श्री अकाल तख्त साहब विखे नतमस्तक होने उपरांत अकाल तख्त बाहर पत्रकारों नाल गलबात करदिआं जथेदार भाई ने कहा कि उन्होंने पंथक एकता संबंधी जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह नूं अज श्री अकाल तख्त साहिब विखे मिल बैठन का समा मंगिया सी, पर किसी कारण शायद वह अज नहीं पहुंच सके। उन्होंने कहा कि उन्होंने हुण संगतां दीआं भावनावां ध्यान रखदिआं ज्ञानी रघबीर सिंह नूं 9 अगस्त नूं श्री अकाल तख्त साहिब विखे एकत्रता लई मुड़ समा देण की अपील की है। खबरां दा सिलसिला इसे तरह जारी रहेगा, पर हुण वेला हो चुका है छोटे जे ब्रेक दा, इसलिए मिलदे हां ब्रेक तो बाद। ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है। कौमी अते कौमांतरी पद्धर ते देश नूं शर्मसार करन वालियां मणिपुर दीआं घटनावां नूं लैके पूरे देश विच नखेधी कीती जा रही है। उत्थे पंजाब विच वी इस दी नखेधी कीती जा रही है। उसे दे तहत ही मसीह भाईचारे वल्लों पूरे पंजाब चो वक वक थावां तों इकट्ठे होके अमृतसर दे डीसी दफ्तर दे बाहर केंद्र सरकार खिलाफ रोस प्रदर्शन किया गया। इस दौरान शर्मनाक घटनावां दी सख्त शब्दां विच निखेधी करदिआं मसीह भाईचारे दे आगुआं ने कहा कि भारत दे गृह मंत्री अमित शाह वल्लों इस घटना दी डूंघाई नाल जांच कीती जावे ते उन्हां दोषियां दा असली चेहरा जनता सामने लिआंदा जावे, उन्हां नूं उन्हां दी बन दी सख्त सजा दित्ती जावे। इस घटना ने इंसानियत नूं शर्मसार कीता है। देश नूं शर्मसार करन वालियां मणिपुर दीआं घटनावां ते डूंघी संवेदना प्रगट कीती ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਫਦ ਵੀ ਮਣੀਪੁਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਡ ਸਪਰੈਡ ਕੰਡੈਮਨੇਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਉਂਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2027 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 3rd ਮੋਸਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਇਕੋਨਮੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕੋਨਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਕੋਨਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਸੇਫਗਾਰਡ ਕਰਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਫਗਾਰਡ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 3rd ਸਾਰਨ ਵੱਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਣ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੋਏਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਖੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਨਾਰਾਥੀਵਾਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 118 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਥਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਸੁਨਰਾਈ ਲੋਕਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਮਾਕਾ ਧਾਤੂ ਦੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਿਕਲੀ ਇੱਕ ਚੁੰਗਿਆੜੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਟਾਕੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਧਮਾਕੇ
करन लगी अग नू काफी मुशक्कत तो बाद काबू कर लिया गया। पुलिस अते सूबाई प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है। जिला तरन तारण के विधानसभा हलका अधीन पेंदे पिंड डल विखे हर वक्त सिर के उपर मंडराउं दे मौत दे साए हेठ अते नरक भरी जिंदगी बतीत कर रहे बुजुर्ग बेवस जोड़े ने मददगारां तो मदद की गुहार लगाई है। इस संबंधी जानकारी देंदे हुए बुजुर्ग अंग्रेज सिंह अते उसकी पत्नी सुरचेत कौर ने दस्या कि उन्हां दीआं दो लड़कियां ने अते एक लड़का सी। दोवें लड़कियां दा विआह हो चुका है ते लड़का मेहनत मजदूरी करदा सी पर अचानक उन्हां दा लड़का नशे की चपेट विच आ गया ते एक दिन नशे की हालत विच घरों चला गया जो हुण तक वापस नहीं परतिया। पीड़ित बुजुर्ग जोड़े ने समाज सेवियों को अपील करते हुए कहा कि उन्होंने मकान की हालत भी खंडर हो चुकी है ते उन्हां कोल अपनी जिंदगी बसर करन लई भी कुछ नहीं बचा जिसके चलद उन्होंने समाज सेवियों को अगे आके उन्होंने मदद करने लई कहा। ਕੀ ਗੱਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਠਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਥਾਂ ਖਲੋਣ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਕਾਕਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਉਂ ਉਹ ਕਦ ਨਿਕਲੇ ਘਰ ਨਸ਼ੇ ਪਤੇ ਲਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇ ਘਰੋਂ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਕੋਠਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਥੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿਤਰਾ ਸਰਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿਤਰਾ ਸਰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਪਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਲਕਾ ਨਾ ਬਾਥਰੂਮ ਨਾ ਮੋਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਸੁਣਦਾ फिरोजपुर च पिछले कई दिनों तो लगातार हो रही तेज बारिश कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पै रहा है अते भारी बरसात कारण कई गरीब परिवारों के मकान ढह गए जिस कारण वह अपने घरों तो बेघर हो गए अते भारी बरसात कारण अज पिंड बड़के विच एक गरीब परिवार के घर की छत डिग गई। उस समय परिवार के मैंबर घर के अंदर बैठे सन जिस कारण एक औरत बुरी तरह जख्मी हो गई जबकि उस छत थले बैठी एक गर्भवती औरत बाल बाल बच गई। जब इस घटना का नेड़े पिंड के लोगों को पता लग्या तो वह भज के इन परिवारक मैंबरों घरों बाहर कढ के सेहतयाब हो गए। विभाग की एंबूलेंस टीम ने पहुंच के जख्मियों को इलाज लिए सिविल अस्पताल फिरोजपुर विखे दाखिल करवाया। इस मकान के डिगण नाल जख्मी हुई औरत ने सारी घटना की जानकारी दी। अमृतसर के मकबूलपुरा इलाके विच एक सरकारी कर्मचारी कलर्क औरत नाल लुट का मामला सामने आया। जानकारी मुताबिक कलर्क औरत जिसका नाम प्रवीण कुमारी जो कि डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर करजा दफ्तर विच तैनात सी जो ते प्रवीण कुमारी पीड़ित औरत दफ्तर के बाहर पुजी तो दफ्तर के बाहर दो व्यक्ति ते एक औरत बाहर मोटरसाइकिल ते खड़े सन ते एक बुजुर्ग वालों रस्ते बारे पुछ रहे सन। औरत ने दस्या कि उसनू पता ही नहीं चलिया कि वह कदों बेहोश हो गई। जब उसनू होश आया तो उस दीआं बाहां विचों दो सोने दीआं चूड़ियां गायब सन जिसके चलते इसकी सूचना पुलिस अधिकारियों नू दित्ती गई। पुलिस अधिकारी मौके ते पहुंचे ते अधिकारियों वालों जांच शुरू कर दी गई है। कैनेडा विच 1000 तो ज्यादा थावां ते जंगल दी अग अजे भी 1,00,000 वर्ग किलोमीटर तो ज्यादा जमीन नूं साड़ रही है जिस ते 600 स्थानां ते उत्ते अग कंट्रोल तो बाहर है ते तेजी नाल वध रही है। अग दी लपेट विच आया खेतर आइसलैंड जां दक्षिणी कोरिया दे आकार दे बराबर है। स्थानक मीडिया मुताबिक पिछले 4 दहाकियां दे मुकाबले इस साल ज्यादा कैनेडाई लोक प्रभावित होए ने। अग दे धुएं कारण 1,55,000 तो ज्यादा लोगों नूं घर छड्डन लई मजबूर होना पिया। कैनेडा विच हुण 5,500 घरेलू ते लगभग 330 कौमांतरी फायर ब्रिगेड मैंबर अग बुझाउण लई मिल के काम कर रहे ने। अग जिस पद्धर ते फैली है उसके मुकाबले फायर कर्मियों की गिनती बहुत घट है। साल की शुरुआत तो हुण तक 50,000 हैक्टेयर तो ज्यादा जमीन अग की लपेट विच आ चुकी है। नगर सुधार ट्रस्ट के चेयरमैन अशोक तलवार वालों सकत्री विभाग सहित नगर सुधार ट्रस्ट वालों किए जा रहे निर्माण का जायजा लिया गया। इस मौके चेयरमैन अशोक तलवार के नाल एसए प्रदीप जायसवाल एक्सन रविंदर कुमार एक्सन विक्रम सिंह एक्सन राजवीर सिंह मौजूद सन। चेयरमैन अशोक तलवार
इंडोर जिम का जायजा लैन उपरांत पत्रकारों नाल गलबात करदे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगवाई वाली पंजाब सरकार खेडां दे खेतर विच सूबे की पुरानी शान नूं मुड़ बहाल करन दे मिशन तहत खेडां लई अपना पूरा योगदान दे रही है। चेयरमैन अशोक तलवार ने दस्सिया कि यह प्रोजैक्ट 18 to 19 crore की लागत नाल तैयार होया ते बनन उपरांत यह प्रोजैक्ट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया नूं सौंप दिता जाएगा। अमृतसर पुलिस नूं उस वेले भाजना पै गई जदों अदालत विच पेश करन लई लियांदे गए दोषी ने गड्डी विचों छलांग लगा दिती अते मौके तों भज गया। अजनाला पुलिस नूं इकदम हत्था पैरां दी पै गई। दरअसल इरादा ए कतल अते चोरी दे मामले विच दोषी नूं पेशी लई लियांदा गया सी। पेशी लई पुलिस करीब 10 to 15 minutes तक खेतां विच आरोपी नूं फड़न लई जदोजहद करती रही। कड़ी भज दौड़ तों बाद पुलिस ने आरोपी नूं आखिरकार काबू कर लिया। ते हुण जांदे आं एक नज़र अज दी वैदर रिपोर्ट ते। फिलहाल पंजाबी खबरों में इतना ही। नवीं ते ताज़ा खबरें लेके फिर तो हाजिर होवांगे। तद तक लई वेखदे रहो चढ़दी कला टाइम टीवी। हुण मैनूं दे इजाजत। धन्यवाद।